हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोरैसिक आयोटा एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन सी ब्रांच निकलती है एंड को कैसे इजीली याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता कि हम जब आपकी थोरैसिक आयोटा की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। तो हमेशा की तरह एक हमने हार्ट का बनाया यहाँ पे फिगर। ठीक है, आपको पता है कि इस हार्ट से क्या होती है, सबसे पहले क्या निकलती है, असेंडिंग आयोटा निकलती है, फिर आती है आपकी आर्च ऑफ आयोटा। ठीक है, एंड उसके बाद उसने क्या किया, डिसेंड कर दिया, तो डिसेंडिंग आयोटा हो गई। ठीक है, तो ये आपकी आ गई डिसेंडिंग आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि ओरिजिनली ये थोड़ी लेफ्ट साइड होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे प्रोग्रेस करती है वो थोड़ा बीच में सेंटर मिड लाइन में आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब आपको ये एक लाइन बना दी मैंने। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, स्टर्नल एंगल है। स्टर्नल एंगल क्या करता है, एक एंगल बताता है हमें कि बताता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो एसेंडिंग है, फिर यहाँ से यहाँ से इसने आर्च ऑफ आयोटा बनाई और फिर यहाँ से उसने डिसेंडिंग आयोटा बना दी। क्लियर। अब ऑलरेडी हम इसमें के जो ब्रांचेज हैं, जैसे इसकी आपकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, फिर उसके बाद आती है आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इन सब के बारे में, आयोटा के बारे में, फिर इन पर्टिकुलर इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको मैं आई बटन में देते रहूँगा, आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, आपको आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी की मिल जाएगी वीडियो, आपको ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की मिल जाएगी, आपको सबक्लेवियन आर्टरी की भी मिल जाएगी। तो मूविंग ऑन, हम जब बात करें डिसेंडिंग एओर्टा की, अब डिसेंडिंग एओर्टा में क्या होता है कि अब इसे भी हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, जबकि जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको दे देते हैं T4। ओके, तो T4 से लेके T12 तक, ओके, T4 से लेके T12 तक इस डिसेंडिंग एओर्टा को हम क्या नाम देंगे, आपकी थोरैसिक एओर्टा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे थोरैसिक एओर्टा है ये। फिर यहाँ पर आपको ये डॉटेड में बना रहा हूँ मैं, ओके, आपके डायफ्राम है। अब इस डायफ्राम से क्या होता है कि नीचे की तरफ वापस ही एक्सटेंड होती है डिसेंडिंग आयोटा, एंड ये क्या फॉर्म हो जाती है, ये अब एब्डोमिनल आयोटा हो जाती है। ठीक है, तो एब्डोमिनल आयोटा का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसके भी हमने ब्रांचेस इजीली देख ली थी, आपको देखने तो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस हिस्से की बात करेंगे, दैट इज़ द थोरैसिक आयोटा। तो ये है आपका थोरैसिक आयोटा। ठीक है, तो T4 से T12 के बीच में थोरैसिक आयोटा। अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। तो अब एक्चुअली इसकी 7 टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस होती हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, है इट हैज़ 7, ओके, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। अब इसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं, इनको हम पहले दो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ हो गई आपकी विसेरल ब्रांचेस, ठीक है, एंड दूसरी हो गई आपकी पैराइटल ब्रांचेस। ठीक है, तो विसेरल आपके विसेरल ब्रांचेस में डिवाइड करती है और पैराइटल ब्रांचेस में डिवाइड करती है। आपकी विसेरल ब्रांचेस में इन 7 में से कौन सी हैं, 4 हैं, एंड पैराइटल ब्रांचेस में जो बच गई 3। ठीक है, तो 4 ब्रांचेस विसेरल ब्रांचेस कहलाएंगी एंड जो 3 बच गई वो आपकी पैराइटल ब्रांचेस कहलाएंगी। अब इनमें से कौन कौन क्या क्या होती हैं तो उसको भी देख लेते हैं नाम। ठीक है, तो विसेरल ब्रांचेस में कौन कौन सी आती हैं, पहले मैं नई नेमिंग कर देता हूँ, फिर आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होती हैं ये। ठीक है, तो विसेरल ब्रांचेस में पेरिकार्डियल ब्रांच, ठीक है, क्या है, पेरिकार्डियल ब्रांच। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकियल ब्रांच, ठीक है, पेरिकार्डियल ब्रांच, ब्रोंकियल ब्रांच। थर्ड आपकी है, ठीक है, ईसोफेजियल ब्रांच, एंड फोर्थ है आपकी मीडियास्टिनल ब्रांच। क्लियर, तो आपकी 4 ब्रांचेज हो गई विसरल की। एंड अगर हम बात करें आपकी पैराइटल की, तो पैराइटल में कौन कौन सी हैं, आपकी पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर इंटर कोस्टल ब्रांचेस। नेक्स्ट आपकी आपकी आती है सब कोस्टल ब्रांचेस, एंड लास्ट है इसकी आपकी सुपीरियर फ्रेनिक ब्रांच। ठीक है, अब हम इसे ड्रॉ करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे कैसे होती हैं। ओके ओके, तो अब हमने थोरैसिक आयोटा बड़ा सा बना दिया, अब इसकी ब्रांचेस देखते हैं आसानी से। तो ये हमने क्या बोला था, पहले स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये T4 से, आपको ये याद रखना है कि T4 से स्टार्ट हो रही है एंड T12 आपके T12 पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि ओपनिंग होती है फॉर द उसके डायफ्राम से जाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने डॉटेड में बना दिया यहाँ पे, ओके, एंड इसके नीचे वो क्या हो रही है, एब्डोमिनल आयोटा।
ये देखिए दिख रहा है, यहाँ तक तो आपकी थोरेसिक एओर्टा थी, लेकिन अब डायफ्राम की जब नीचे पास हो गई T12 के नीचे, तो ये आपकी एब्डोमिनल एओर्टा पड़ गई। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा फोकस है थोरेसिक एओर्टा के ऊपर। ओके, तो अब सबसे जो पहली होती है आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, इसके बारे में एक चीज़ बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब जो आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, ठीक है, ये कितनी हैं आपकी, इसकी 9 पेयर्स हैं, ठीक है। एंड वो कहाँ से कहाँ तक है, आपकी जो 3rd से 11th, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती हैं ये, क्लियर। जो हमने सबसे पहली बना रखी है इसकी 9 पैर होती हैं, तो ये तो मैंने एक पैर बना रखा है, अब यहाँ पे दूसरी पैर भी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं पैर निकलेगा, और मैं सब बना नहीं रखी क्योंकि बहुत फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैंने आपको सिर्फ एक पैर बना के दिखाया यहाँ पे। तो वो कौन सी थी आपकी, पोस्टीरियर आपकी इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं। तो इसमें क्योंकि मैंने बोला नौ पैर होते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, टोटल 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं। तो ये 9 क्यों हैं, क्योंकि जो पहले के 1 एंड नंबर 2 इंटरकोस्टल स्पेस हैं वो सप्लाई, वहाँ पे जो आर्टरीज हो रही हैं वो आ रही हैं आपकी सब क्लेवन आर्टरी से आ रही हैं, ठीक है। और बाकी की जो बच गई 9 आर्टरी, जो 9 पैर बर गए बच गए, वो कहाँ से सप्लाई हो रही हैं, 3rd से 11th इंटरकोस्टल स्पेस में सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। नेक्स्ट अब आर्टरी आती है ब्रोंकियल आर्टरीज। अब ब्रोंकियल आर्टरीज में भी क्या ट्विस्ट है कि जो आपकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में 2 उसकी निकलती है ब्रांचेस, ठीक है, पर राइट में सिर्फ एक ही निकलती है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जो लेफ्ट में 2 निकली, तो ऊपर वाले का तो नाम हमने दे दिया आपकी लेफ्ट और ऊपर है, तो लेफ्ट अपर, ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी। एंड जो नीचे वाली है ये क्या है, लेफ्ट लोअर ब्रोंकियल आर्टरी, क्लियर। पर राइट में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अपर लोअर कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, राइट ब्रोंकियल आर्टरी। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि आपकी जो लेफ्ट अपर एंड जो लोअर ब्रोंकियल आर्टरीज हैं ये तो डायरेक्टली अराइज हो रही हैं आपकी आपकी थोरेसिक एओर्टा से, लेकिन आपकी राइट वाली डायरेक्टली अराइज नहीं हो रही है। ये कहाँ से होगी, तो यहाँ पे मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, या तो वो आपके जो लेफ्ट अपर ब्रोंकियल आर्टरी है वहाँ से निकलेगी और तब जाके वो राइट साइड आएगी, या तो वो ये आपकी जो आपकी थर्ड इंटरकोस्टल आपकी जो थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है वहाँ से अराइज होगी तब इधर को आएगी, ठीक है। डायरेक्ट और ओरिजिन इसका नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपके ब्रोंकियल आर्टरी, देख ली हमने। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियास्टिनल आर्टरी, तो उसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। तो आपकी ये आ गई मीडियास्टिनल आर्टरीज, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी मीडियास्टिनल आर्टरीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसोफेजियल आर्टरी। इसोफेजियल आर्टरी सिंगल एक आर्टरी है, मतलब इसमें पेयर नहीं होता है, सिंगल है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इसोफेजियल आर्टरी। अब आपकी इसोफेजियल आर्टरी में भी एक हल्का सा आपको याद रखने की चीज़ है कि जो ये सप्लाई कर रही है आप, क्योंकि इसोफेजियल सबको पता है लंबा होता है, अब लंबे में क्या है कि उसके 3 पार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपर 1/3, लोअर 1/3 एंड बॉटम 1/3, ठीक है, इसोफेगस के। तो जो मिडिल 1/3 पार्ट है उसको सप्लाई करती है ये आपको इसोफेजियल आर्टरी, ठीक है, और जो बाकी के आपके अपर पार्ट को एंड लोअर पार्ट को वो अलग अलग जगह से आ रही हैं उसमें आर्टरीज, लेकिन ये कहाँ आप सप्लाई करती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सप्लाइज मिडिल 1/3, ठीक है, सप्लाइज मिडिल 1/3, ठीक है। अब ये भी होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी पेरिकार्डियल आर्टरी के बारे में, तो वो भी एक सिंगल है, तो उसके लिए भी एक अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक और आर्टरी कौन सी आ गई हमारे पास, पेरिकार्डियल की, पेरिकार्डियल आर्टरी, ठीक है, पेरिकार्डियल आर्टरी आ गई। एंड आपकी दो आर्टरी क्या, कितने बच गए, एक हो गई, दो हो गई, 3, 4, 5, मतलब 2 बच गई हमारे पास, तो उन दो को भी कर लेंगे अभी ड्रॉ। एक और आ गई आपकी पैर आर्टरीज, यहाँ पे क्या है ये सब कोस्टल आर्टरीज, ठीक है। अब आपकी जो सब कोस्टल आर्टरीज हैं ये कब स्टार्ट होती है, जब आपकी जो 9 पेयर्स हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जब खत्म हो जाती हैं, जैसे ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, उसके बाद आती है सब कोस्टल आर्टरीज, क्लियर। तो आपकी सब कोस्टल आर्टरीज हो गई। एंड जो फाइनल आपका है
ठीक है, फाइनल मैं कैसे बनाऊँगा, सब कलर कलर हो गया एकदम। चलो ब्राउन से बना लेते, कोई नहीं। तो वो है आपकी ये, अब आप देख रहे हो कहाँ सप्लाई कर रही है, आपके डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। तो ये क्या है आपकी सुपीरियर सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। इसी का छोटा, इसका दूसरा भाई है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, वो यहाँ से निकलता है आपके एब्डोमिनल आयोटा से निकलता है, तब इसको सप्लाई करता है आपके डायफ्राम को, ठीक है। पर अभी तो हम ओनली थोरैसिक आयोटा पढ़ रहे हैं, तो ये हम देखेंगे सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो लास्ट है। तो आपकी टोटल कितनी हो गई, हमने देख ली ये एक है, ठीक है, ओके, ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये आपकी छठी, एंड आपकी लास्ट ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। तो यही था आपके पूरा, आपके जो ब्रांचेस हमने देख लिए थोरैसिक आयोटा के, एंड मुझे लगता है कि अब ये करने के बाद आपको काफ़ी इजीली याद हो जाएगा एंड आपको मेमोराइज़ हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे इसे ये निकलती है, यहाँ से ये निकलती है एंड कितनी होती है। ये वीडियो के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हाँ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ देखते हैं लाइक करते हैं पर सब्सक्राइब करना शायद से भूल जाते हो। तो प्लीज़ वहाँ पे नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा देना, एंड साइड में एक बेल आइकन आएगा उसे भी ऑल पे कर देना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हमेशा सबसे पहले मिले। सो थैंक यू।